हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम आ गया है वापस जाने का। आज हम दिल्ली के लिए निकलेंगे यहाँ से, तो थोड़ा सा सैड है सिमर और रिदा भी। अभी रिदा को रियलाइज़ नहीं हुआ है कि जा रहे हैं हम, बट वी लीव इन अबाउट एन आवर्स टाइम फ्रॉम नाउ। हाय हाय गाइस, अभी अभी पता चला है कि दिल्ली दोबारा लॉकडाउन में जाने वाला है फॉर अ वीक। सो हम लोगों को बहुत जल्दी पुश करना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी पैकिंग कर रहे हैं और यहाँ से निकलेंगे फटाफट। और मुझे जाना नहीं लग रहा है, बट ये बहुत सैड है आज। ये बहुत सैड है क्योंकि आज हम जा रहे हैं, बट वही है ना, जितने ज़्यादा दिन रह लो फिर उतने ज़्यादा वो हो जाता है। अगर एक दो दिन के लिए आओ तो चले जाओ तो ठीक है, तब नहीं पता लगता है। आई थिंक इतना दिन लगा लिए हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं सोच रहा हूँ यहीं छोड़ के चले जाऊँ, सबके लिए बेटर हो जाएगा। इतनी खुशी, इतनी खुशी, ये भी खुश रहेगी, मैं भी खुश रहूँगा और रिदा भी खुश रहेगी। नहीं नहीं यार, आई थिंक अब बट सब कुछ रहेंगे, बट ये लोग कुछ नहीं रहेंगे। ये बोलेंगे कब जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो रह ही गए। ये वैसे भी सोच रहे हैं, सुबह से कह रहे हैं कितने बजे निकलना है, कितने बजे निकलना है। नहीं नहीं, बट अभी बस हम निकलने वाले हैं, तैयारी हो गई है, पैकिंग हो गई है, बैग्स वगैरह डालेंगे गाड़ी में। हम आपसे मिलेंगे दोबारा जल्द से जल्दी आपसे गाड़ी में मिलते हैं, हमारी फेवरेट जगह। आज मम्मी और भाभी ने भटूरे बनाए थे, भटूरे छोले, तो खा के बड़ा मज़ा आया। और अब सैंडविच की तैयारी हो रही है रास्ते में जाने के लिए, तो मम्मी लगी हुई है, मम्मी मेरे को नहीं जाना। ये रिदा और सिफत दोनों खुश हैं। रिदा मैं घर जा रही हूँ इसलिए खुश है, और सिफत रिदा घर जा रही है इसलिए खुश है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिफत का तो बड़ा ही वो रखा है, दिल ऐसा हो रखा है कि क्यों जा रही है रिदा। बट रिदा कहाँ जा रहे हैं हम? सिर्फ तू क्या, हमारे दोबारा लग गए हैं काम में लोग, ससुराल से चलते हुए बाबुली, मेरे में चलेगा ये वाला तो, की दुआएं लेती जा है? जा तुझे ओ? चार बंदे लगा के हैं सामान लेने के लिए। हाँ, खुद एक एक बैग लेके जा रहे हो। हेलो, रोड बन रही है यार बाहर पूरी, हमारी गाड़ी भी बाहर खड़ी है। So you live in the dream, you should see it through someone else's side. Another cipher to break while the grass grows underneath my feet. जब हम छोटे होते थे, जब हमने डेट करना शुरू किया था, तब की फोटो है। देखो राहुल कितने शरीफ, राहुल तो अब भी शरीफ है। मेरे बारे में क्या विचार है? Then and now. ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। Still the same. वो जो काला था काट दिया, नहीं बदला था। ये तो मेरी ज़िंदगी में आ गई ना, अब नज़र नहीं लग सकती। अच्छा। नज़र बट्टू। मैंने एक दांत काटी थी, सुबह उठ के इसने मुझे उठे खाना लगा था। मैं सुबह उठ के ऐसे डालती हूँ ना, यहाँ ऐसे पकड़ गया। दोनों से बाय। Hello, 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 Leah.
हक सिफत गो, हक सिफत नाउ, गो गो गो, वेरी गुड, गुड गर्ल्स, से बाय बाय, से बाय बाय, यू आल्सो किस, यस, बाज बाज बाज, अब मामी की बारी, मामी, बाय बाय मामी, आप बताओ कब आओगे? बोला थोड़ी हिम्मत फिर जुटा लो हमें रखने की, फिर आएंगे हम। चलो इधर नानी, गुड नानी नाउ, वेज नानी, नानी नानी से बाय बाय, ठीक है। चलो ध्यान रखो, सिर्फ वो तो बिल्कुल ठीक हो गई है, पता है इतनी उदास हो गई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। 7 बजे पहुंचेंगे राहुल घर। मुझे लग रहा है कि आज बहुत ट्रैफिक होने वाला है। आज सारे के सारे वापस दिल्ली घुसने को वाले होंगे, करेंगे जो लोग भी यहाँ हरियाणा पंजाब हिमाचल गए हुए हैं, दे विल ट्राई एंड गेट बैक टू दिल्ली, क्योंकि एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है, जो कि एक तरीके से अच्छा है। आई थिंक नहीं नहीं, इट वाज रिक्वायर्ड यार, अभी तो इट वाज मच नीडेड, क्योंकि द वे थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड, इतने केसेस तो पहले नहीं थे जो अब आने लग गए हैं, सो इसको रोकने के लिए अच्छा कर रहे हैं, इट्स अ गुड डिसीजन, बट वही है कि पीपल हैव टू गेट बैक, सो हमें भी निकलना पड़ा एकदम से, वी वांटेड टू स्टे फॉर सम मोर टाइम, या 2-3 डेज टाइप्स ऑफ, बट दैट्स ओके, दैट्स गुड, हाँ ठीक है, दोबारा आएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। रिद्धा जी हमारी कहाँ गई? रिद्धा है, शी इज लाइंग डाउन। ये नौगजा पीर जी हैं और ये रास्ते में पड़ते हैं जब हम अम्बाला से निकलते हैं, तो हमेशा ऑन अ वे बैक राहुल ऑलवेज गोज यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और रिद्धा हमारे साथ यहाँ पे है। हो ही रहा है चिंगम, चिंगम नहीं खाते बेटा बेबीज। अरे हो ही रहा है तो खा सकती हूँ। क्या हो ही गया है? चिंगम ओपन। तो मम्मा विल ईट, बिकॉज ग्रोन अप्स खाते हैं, बेबीज नहीं खाते हैं चिंगम। नो रिद्धा, प्लीज आई ओपन इट। रिद्धा नो, मम्मा प्लीज गिव इट टू मी। रिद्धा नो बेबी। ओ पापा इज हियर, पापा इज हियर, आ गए राहुल इज हियर। अब हम अब नॉन स्टॉप जाएंगे बिकॉज देयर नो प्लान्स बीच में रुकने वगैरह के। घर से खाना लेके आए हुए हैं तो वी कांट इवन स्टॉप एट मूर्थल, सीधा जाएंगे दिल्ली। दिल्ली व्हाट टाइम आर यू टारगेटिंग, कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? 7:15 बजे तक वी शुड बी होम। अब सब कुछ सीख रहे तो क्या, मैं आपको एक जोक सुनाऊं? हाँ सुनाओ। अगर एक हाथी पानी में गिर
मैं सोच रहा हूँ वो बाहर कैसे आएगा, वो पानी में गिरा है तो वो स्विम करेगा, फिर स्विम करके रिदा वो साइड पे आ जाएगा, फिर उसके बाद वो बाहर पैदल चल के आ जाएगा। नहीं नहीं वो हरमानी की नहीं, मान ली वो गीला होकर आएगा। ये रिदा और सिमर रुके थे ब्रेक के लिए, वॉशरूम ब्रेक। अब हम चल दिए हैं आगे की ओर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, बर्तन धोने की तैयारी के लिए शुरू होते हैं। हाँ मेंट्स नहीं है कि दोबारा, ओह शिट, ये तो लास्ट वाला व्लॉग क्यों आ गया। ये मतलब ऐसा होगा कि सिमर ने बर्तन धोए और सिमर बर्तन धोते जा रही है। यार मैं नहीं खेल रही यार, कितने बर्तन धुले यार। नहीं आप मम्मा के साथ बर्तन धुलाओगे? रन। आप रन कैसे हो रहे हो, आप तो गाड़ी में बैठे हो। गाड़ी रन के लिए मतलब। अच्छा फिर ठीक है रिदा। तो जी हम पहुंच गए हैं नोएडा, 20 मिनट दूर है हम अपने घर से। घर जाके फिर चाय का कप मिलता है, वाह 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 वाह, हमें भी मिलेगा अभी जाके चाय का कप। हम पहुंच गए हैं अपने घर। अभी थोड़ी सी ड्राइविंग है। जयकारा शेरा वाली दा दरबार की जय। बोले सोनिहाल सस्रिया का, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। थैंक यू। थैंक यू। मम्मी अभी हाथ वाथ नहीं लगाना है चेहरे पे, लोग देखना होते हैं आपको। और क्या हाल है? हाँ आपके साथ कैसे हो आप लोग, ठीक ठाक? थैंक यू आ गए मिस लिए, हम भी मिस कर रहे थे। ये ऐसा लग रहा है जैसे बैंगलोर से शिफ्ट हुए हम 2 साल के बाद। इतना सामान कौन ले जाता है भाई अम्बाला? और ऐसा होता ना कि मतलब उन्होंने दिया है ये तब तो ठीक था, लेते हुए भी हम इतना ही गए थे। हो गई।